एक ऐसा शातिर ठग जो कभी सीबीआई अधिकारी बनता था तो कभी नेता बनता था और लोगों को चूना लगाने का काम करता था, लेकिन अब ये शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जी हाँ, ये मामला है खंडवा मध्य प्रदेश का, जहाँ खंडवा पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो कभी सीबीआई अधिकारी तो कभी नेता बनकर लोगों से रुपये ऐंठने का काम करता था। मोगठ थाना पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। खंडवा पुलिस ने आनंद नगर स्थित फर्जी सीबीआई अधिकारी अनिरुद्ध मोतेकर के मकान पर दबिश देकर यहां से वायरलेस सेट और कई फर्जी दस्तावेज जब्त कर हिरासत में ले लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने बताया कि आरोपी ने आनंद नगर में आलीशान ऑफिस और मकान बना रखा था, जहां से वो लोगों के साथ ठगी का धंधा करता था। आरोपी अनिरुद्ध मोतेकर कभी सीबीआई अधिकारी तो कभी महाराष्ट्र का नेता भी बन जाता था। आरोपी ने प्रदेश के कई नेताओं के साथ अपने फोटो लगा रखे थे। उसके खिलाफ कई लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि अनिरुद्ध मोतेकर ने उनके साथ ठगी की है। इसके बाद पुलिस ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और आखिरकार पुलिस ने अनिरुद्ध के घर पर दबिश दे दी। देखिए, खंडवा पुलिस ने आज एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये आदमी जालसाज है और फर्जी सीबीआई अधिकारी बताकर अपने आप को लोगों को फर्जी नियुक्तियां देना, फर्जी हस्ताक्षरित मुद्रा से लोगों के ट्रांसफर आदेश जारी करना, किसी चीज़ की अनुज्ञापत्र जारी करना, परमिशंस जारी करना, इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्जरी कर रहा था। इस व्यक्ति का प्रोफाइल ये है कि 30 वर्षीय व्यक्ति है। इसने अपना एक ऑफिस खोल रखा है यहाँ पर और उस ऑफिस के माध्यम से ये हजारों लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी की फर्जी सील लगाकर लोगों से इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि वसूलना, इसी तरह से कई लोगों को इसने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उनकी जांच की जा रही है कि वो किस तरह से जारी किए हैं और ट्रांसफ़र आदेश इसने जारी कर दिए हैं। इस तरह से इसकी हरकतें सामने आई हैं। इसके पास से हमने लगभग एक दर्जन लैपटॉप, हमारे इनके पास से प्रिंटर, स्कैनर, इसके पास से लगभग दो दर्जन सील, डिफरेंट एजेंसीज की सील और स्टाम्प हमने जब्त किए हैं। साथ ही इसके पास से लगभग एक दर्जन मोबाइल फ़ोन, इसके पास एक पिस्टल जब्त की है जिसमें हथियार भी रखता था, और वॉकी टॉकी जब्त किए हैं। इस तरह से ये अपने पास सिक्योरिटी रखता था। कुछ आदेश की कॉपियां साइन के लिए कागज मिले हैं, किस पर्पस में यूज़ किए रहते? इसने कई आदेशों की कॉपी करके, स्कैन करके और दूसरे आदेशों के ऊपर चस्पा करके लोगों से पैसे ऐंठे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर केस रजिस्टर किया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। समाज में क्या रुतबा बताता था अपने, क्या है? अपने आप को प्रभावशाली आदमी बताता था और कई जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी फोटोज दिखा के लोगों को बरगलाता था और उसके आधार पर लोगों से बरगला कर पैसे ऐंठता। जेल से, जैसे जेल का भी सुना है कि जेल से भी उसने कुछ नकली डॉक्यूमेंट भेज के छोड़ो कुछ जो इसने जेल से रिहाई का एक फर्जी कागजात इसके पास से मिला है, जिसमें इसने रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं नकली सील लगा के। उसकी जांच की जा रही है कि इसने बेसिकली बुरहानपुर और खंडवा दोनों जिलों से रिहाई के आदेश जारी किए हैं। जांच की जा रही है कि कितने आदेश निकाल चुका है। कमरे की सर्चिंग करने पर पुलिस अधिकारियों को जो दस्तावेज यहां मिले, उन दस्तावेजों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अनिरुद्ध के कमरे से जिस तरह के दस्तावेज मिले हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। सरकारी विभागों के लेटर पैड उसने फर्जी तरीके से बना रखे थे। इसके साथ ही सीबीआई अधिकारी बनकर भी उसने कुछ लोगों से ठगी की थी। वो खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता था। इसके अलावा सीएम और अन्य मंत्रियों से भी पहुँच बताकर उनसे काम करवाने के नाम पर रुपए लेता था। हालांकि अब मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी और भी बड़े खुलासे कर सकता है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।